अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमने इस बात पर कल भी कहा था कि नफरतें कभी जीत नहीं सकती। दरअसल इस घटिया और नफरती सोच पर नकील कसने की जरूरत है, लेकिन जब बादशाह ही नफरती जहन का हो, इसे तो नफरत जड़ों तक फैलाने में देर भी नहीं लगती। कल के इस वाकये ने यकीनन सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया। खैर, अब नफरती गिरोह और उनका सरगना क्या वाकई इसी नफरत के सरगना क्या वाकई इसी नफरत के जरिए तवील अरसे तक हुकूमत करने में कामयाब हो सकता है, इस सवाल पर भी बहस जरूरी हो जाती है। जब स्कूल के क्लासरूम में नफरत दाखिल होती है और टीचर के जहनी दिमाग में एक समाज को लेकर नफरत की गंध बैठी हो, वहां मुल्क का कौन सा भविष्य मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। इन्हीं नफरत के रास्तों से जुर्म और गुनाह पनपते हैं। खैर, आज उन बच्चों को एक दूसरे को गले लगाने का काम वहां के किसान कई नरेश टिकैत ने किया और नफरतों को परवान न चढ़ने दिया जाए इसका ऐलान भी किया। लेकिन क्या मालूम कि कितने स्कूलों में कितने कॉलेजेस में यह जहर अब तक फैल चुका होगा। लिहाजा नफरत के सौदागरों की भी क्या कैफियत है, इसे भी समझने की जरूरत है। अब मुल्क के बादशाह की ही कैफियत देख लीजिए, जो कपड़ों के जरिए दंगाइयों को पहचानने की बात करता हो, इसके वजीर गोली मारो सालुकों की जुबान इस्तेमाल करते हो, गृह मंत्री शमशान कब्रिस्तान के साथ शाहीन बाग वालों को करंट लगने की बात करता हो, तो फिर जहर तालीम के पाकजा माहौल तक ना पहुंचे ताजू भी कह सकते हैं। भगवा लिबास पहनकर हमेशा मस्जिद मंदिर कानून अदालत को पसे पुष्ट डालकर बुलडोजर तहजीब को अख्तियार करने वाला खुद यूपी का वजीर आला हो, तो क्यों ना स्कूल तक जहर पहुंचे। हमने कल भी कहा था कि कुछ लोगों को इससे खुशी भी हो रही हो, लेकिन याद रहे कि बेहतर माशरे के लिए ये जहर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आने वाले वक्त में आपको इसका एहसास जरूर होगा। तुम्हारे बच्चे यूं ही मुस्लिम बच्चों को टीचर के कहने पर पीटते हुए कल यही बच्चे त्रिशूल तलवार पिस्तौल इन्हीं सोच विचारधारा के लोग तुम्हारे हाथ में थमा देंगे, और इनके बच्चे किसी आलमी यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल कर बड़े अहदे पर या तो फिर MLA MP बनकर तुम्हारी सरों पर राज करते होंगे। खैर, बात की गहराई को समझने की जरूरत है। बेरोजगारी की जड़ यहीं से शुरू होती है। क्या मालूम कि कितने बच्चे इस तरह की नफरत का शिकार इससे पहले हुए होंगे, जो आगे चलकर जिनका रास्ता इख्तियार भी किए होंगे और मुजरिम बनकर इसी समाज में चलते फिरते होंगे। खैर, अब बात करते हैं उस बादशाह की जिसने आवाम के जहनों में नफरत भर दी। हाल ही में चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की। इसका सीधा टेलीकास्ट इसरो चैनल की जानिब से किया गया था। तकरीबन 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग इसे देख रहे थे। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला, पर इसी वक्त उस नफरती बादशाह का भी चेहरा बेनकाब हो गया। जैसे ही वजीर आजम मोदी बयान देने चैनल पर आए तो तकरीबन 40 लाख लोग कम हो गए। भले ही लोग बड़े बड़े इजलासों में मोदी मोदी कहते हुए देखते हो, पर यहां हमने सुना इसे बाजू में हटा दो यार, इसरो की टीम को दिखाओ। आप भी पहले इस वीडियो को सुन लीजिए, ये काफी वीडियो वायरल हो चुका है। अरे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम को दिखाओ। मतलब कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आवाम में बेजारगी देखी जा रही। अब मोदी के बयानात में वो दमखम भी नजर नहीं आ रहा और जुमलेबाजी से आवाम बिल्कुल पक चुकी है। यहां तक कि अब आवाम मोदी का बयान जैसे ही शुरू हो जाता है वहां से निकलना शुरू कर देती है और कुर्सियां खाली हो जाती है। IT सेल भक्त मंडली इसका इनकार करती कि ऐसा नहीं है, पर चंद्रयान के मौके पर जो हुआ उससे मोदी की लोकप्रियता ने मकबूलियत की पोल भी खुल चुकी है। जहां भक्त मंडली हर मामले को मोदी की तरफ मोड़ने की कोशिश करती है, उन्हें भी इस फजीयत को रोकना मुमकिन न हो सका, क्योंकि सीधे इसरो का ही टेलीकास्ट था। मतलब नफरत फैलाने वाले गिरोह के सरगना का क्या हाल होता जा रहा है, इसे भी समझना होगा। 2024 के चुनाव के मद्देनजर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वैसे तो इनके पास नफरती एजेंडा यही एक ट्रंप कार्ड हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। अब ये भी कहीं काम नहीं आ रहा। चंद्रयान के जरिए कुछ हद तक मकबूलियत को बटोरने की कोशिश भी की गई, पर घटती मकबूलियत के चलते यह भी असरअंदाज होता कहीं पर नजर नहीं आ रहा। इसरो के साइंटिस्टों के ही मेहनतों को सराहा जा रहा है। इसरो के लाइव के वक्त भले ही कुछ सेकंडों का यह वीडियो है, आने वाले दिनों की तस्वीर को उजागर कर रहा है। ये वीडियो काफी वायरल हो चुका है। एक और वीडियो देखिए, कैसे बादशाह नौटंकी में माहिर है और इसी नौटंकी से आवाम उठ चुकी है। इसरो के चीफ सोमनाथ को फोन पर बात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहे। पहले इस वीडियो को देखिए। जी आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को
बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके नमस्कार। अब आप सीधा सीधा समझेंगे कि जो फोन किया है फर्जी है, क्योंकि जब आप कॉल ही कर रहे हैं तो वीडियो कॉल करते या खुद लाइव आकर इसरो के चीफ सोमनाथ को बधाई देते। फोन कॉल का वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, मतलब बादशाह नौटंकी कर रहा है ये समझ में आता है। और इसी नौटंकी को लेकर आवाम में बेजारगी देखी जा रही है। कभी प्लास्टिक बिनने के लिए समंदर किनारे महाराज निकलते हैं, कभी लोग नहीं रहते हाथ हिलाते रहते हैं, कभी अचानक रोने लगते हैं, किसी भी गांव जाते हैं देश जाते हैं तो वहां से रिश्ता होने की बात कहते हैं। जादूगर की जान तोते में होते उसी तरह अगर मोदी जी की रो कैमरे में है ऐसा कहना भी गलत ना होगा। ऐसे कई वीडियोज है जिसमें इनका कैमरे को लेकर इंतहा की मोहब्बत देखी गई है। किसी को भी कैमरे के सामने बर्दाश्त नहीं करते। स्टेज पर जाते हैं तो आवाम की बिल्कुल फिक्र नहीं रहती, इन्हें फिक्र रहती है तो कैमरामैन की। हाल ही में नए संसद भवन के इफ्तिताह के वक्त भी ड्रोन कोई और चला रहा है और बादशाह यहाँ भी नौटंकी करते हुए पकड़े गए। खैर मौजू स्कूल के बच्चों में नफरत फैलाने का है और जब बादशाह नौटंकीबाज तो है ही पर नफरत बाज भी है और इसी के जरिए तो इख्तदार तक पहुंच चुका है। लेकिन अब कुछ कुछ आवाम की समझ में भी आ रहा है महंगाई बेरोजगारी को नफरत की आड़ में छिपाया तो नहीं जा सकता। भले स्कूल के बच्चों तक नफरती जहर को पैवस्त किया हो लेकिन कहते हैं जब उरूज हासिल होता है तो उसका जवाल भी आ जाता है। नफरती की रोज जवाल पजीर हो रहा है। नौटंकीबाज बादशाह के जुमलों से आवाम बेजार है। चंद्रयान की कामयाबी के साथ मुफ्त का सहरा बांधने वाले भी इस वक्त बेनकाब हुए हैं, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हाँ बेटे, क्या क्या हुआ था स्कूल में? बजवाया था जी। किसने? मैडम ने। क्यों? एक दो गलती भी कर दी थी। क्या 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 गलती हुई थी आपसे? पढ़ाया था। पढ़ा क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ाया था रीता। मैडम ने और क्या कहा था? जोर का मार रहे हो। किन से पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? इनका मोम जोर जोर का मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? एक घंटा। आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल यार्ड नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है, जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।